नमस्कार दोस्तों, दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की 5 अनसुलझी घटनाएं जिसका आज तक पता नहीं लग पाया है। तो आइए देखते हैं। जून 1947 में मलेशिया के मलक्का शहर के समुद्री तट पर औरंग मेडन नामक जहाज में सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि जहाज से SOS मैसेज भेजा गया था जो कि आसपास के कई जहाजों को मिला। पहले SOS में यह भेजा गया था कि यह सभी जगह लाशें पड़ी हुई है, और दूसरे SOS में यह भेजा गया कि मैं मर गया। जो लोग मदद के लिए पहुंचे उन्होंने देखा कि जहाज के सारे क्रू मेंबर मर चुके हैं। उनमें से एक का हाथ अभी भी उसी डिवाइस पर था जिससे मैसेज भेजा गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ ना तो हाथापाई के निशान थे ना ही खून के, बस सभी लोगों के मुंह और आंखें खुली थी। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि इनकी मौत का कारण क्या है। घटना के बाद उस जहाज को सिल्वर स्टार नामक एक जहाज से खींचकर जमीन की ओर ले जाया जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उस जहाज से धुआं निकलने लगा और कुछ देर बाद विस्फोट हो गया, जिससे यह राज जहाज के साथ ही समुद्र में हमेशा के लिए डूब गया। अगस्त 1994 में वॉशिंगटन के ओकविले शहर के खेत में अचानक से ब्लॉब्स की बारिश होने लगी। मैं आपको बता दूं कि ब्लॉब्स एक ट्रांसपेरेंट जेली जैसा पदार्थ होता है। खेत की मालकिन सनी बारक्लिफ्ट ब्लॉब्स की बारिश के फौरन बाद हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने गई, और उसकी पालतू बिल्ली भी ब्लॉब्स के संपर्क में आने के कारण मर गई थी। लेकिन जब दूसरी बार बारिश हुई तो उसने रिक्वेस्ट की कि इन ब्लॉब्स का टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उन ब्लॉब्स में ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स मौजूद थे, और जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं था। साइंटिस्ट के लिए ये अभी भी राज है कि ये ब्लॉब्स कहाँ से आए और कैसे बने। फरवरी 1959 में 9 स्टूडेंट्स यूरल माउंटेन में खो गए थे। करीब एक महीना तलाशने के बाद उनकी लाशें मिली, जो कि बेहद अजीबोगरीब स्थिति में पाई गई। क्योंकि उनके टेंट्स अंदर से कटे हुए थे और उनकी लाशें बर्फ में दबी हुई थी, जो कि सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हुई थी। जो तस्वीरें उनके कैमरे से मिली उनमें वे बेहद खुश नज़र आ रहे थे। सभी के चेहरों पर मुस्कान और उत्सुकता नज़र आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन स्टूडेंट्स की काफ़ी हड्डियां टूटी हुई थी और बहुत सी अंदरूनी चोट भी थी। हालांकि चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन्हें बाहर से किसी भी चोट के निशान नहीं थे, सिवाय एक स्टूडेंट के जिसकी आँखें और ज़ुबान गायब थी, और उनके कपड़ों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन पाया गया। उनमें इतना सारा रेडिएशन कहाँ से आया और मौत कैसे हुई, ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। पिछले दशक कुछ अजीब घटनाएं हुई जिसमें वेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स जैसी मछलियां समुद्र के किनारे बड़े पैमाने पर मरी हुई पाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे इन जानवरों ने समुद्र से बाहर आकर खुदकुशी की हो। फिर 2008 में इंग्लैंड के कॉर्नवॉल शहर में करीब 26 डॉल्फिन्स बीच पर मरी हुई पाई गई। साइंटिस्ट अभी भी इस अजीब घटना का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2011 में आर्कनसस स्टेट में अचानक सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर मरने लगे। फिर कुछ दिनों बाद ऐसी ही घटना लुसियाना स्टेट में भी हुई, वहाँ भी करीब 500 पक्षी आसमान से गिरकर मरने लगे। एनवायरमेंटलिस्ट की खोज के मुताबिक ये पक्षी किसी रेयर बीमारी से मर रहे थे। उनका कहना था कि ये बीमारी शायद पोल्यूशन के कारण हो रही थी, पर अभी भी इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इसी तरह की रोमांचक वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।